Hello everyone, good morning everyone, welcome back to our channel which is Pierre Vlogs. और देखो मैंने आज काफ़ी टाइम के बाद मेरी हेयर्स को स्ट्रेट किया है जो कि गांव जाने से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे बिकॉज सलाइन वाटर की वजह से. बट मेरे को हेयर कट लेना है मेक ओवर, बट अभी कोरोना की वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा सा, तो मैंने घर पे ही स्पा ले लिया था और उसके बाद में आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद स्ट्रेट किया बिकॉज मैं बोर हो गई थी अपने उस लुक बाल बंद बंद से. रेडी होने के लिए जा रही हूँ. और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था दो ड्रेसेस में से, ब्लू एंड पिंक में से, तो मैंने सबके कमेंट्स पढ़े नीचे और मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स वर ब्लू. तो मैं ब्लू ड्रेस पहन के और आज आपको घूमर सिखाऊंगी. और हाँ, मैं दो दिन से कुछ वीडियो शूट नहीं कर रही, मुझे शूट करना था ट्यूटोरियल पहले ही, बट मैंने उस टाइम किट्टू और उन्हें वहाँ पे शूट कर लिया, तो मैं उस टाइम पे क्योंकि बिजी थी थोड़ा सा, तो अब बस मैं फ्री हो गई हूँ, तो मैं सोचा आज मेरा ट्यूटोरियल बना लेती हूँ. और गोलगप्पा चैलेंज आप सब लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा. दोनों जने इतने क्यूट लग रहे थे उस चैलेंज में, और मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ चैलेंजेस करूँ मम्मा पापा के साथ, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना. और अब मैं बस फटाफट से रेडी होके आ जाती हूँ और स्टार्ट करते हैं हमारा घूमर ट्यूटोरियल. उससे पहले आप देखो, मैंने आज मेरा जो घूमर का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा डेकोरेट किया है बिकॉज लास्ट टाइम वो मेरे को जगह थोड़ी कम भी मिल रही थी और मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना मेरे इधर साइड में जहाँ पे बंक बेड रखा हुआ था उस बंक बेड को मैंने उधर से हटा दिया और वो पूरी वॉल अच्छे से खाली है और वहाँ पे अच्छी सी स्पेस निकल गई. तो मेरे पास पुरानी लाइटिंग भी पड़ी थी तो मैंने उस लाइटिंग को उस पर लगाया है. और मैं सोच रही थी कि इसके लिए कुछ सामान लेना, बट मैं खुद पर्सनली जाके लेना चाहती थी, तो वो अभी मैं बिकॉज कोरोना है तो उस वजह से मैं अवॉइड कर रही हूँ. तो बस जो घर पे पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत सामान मैंने वही लगा के उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया. टू और गुड़िया ने भी बोला कि जाओ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था पीछे का बैकग्राउंड, तो थोड़ा सा अच्छा सा अपना कॉर्नर बना के और फिर उस पर करना. जो कि आपने शायद मेरे लास्ट के जो ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, पुराने ट्यूटोरियल्स, उनमें मैंने मेरा कॉर्नर डेकोरेट किया हुआ था, बट अभी वो एक साल हो गया तो वो पूरा मेस्ड अप वहाँ से सब हटा दिया है मम्मा ने, तो इसलिए मैं वापस से नया एक अच्छा सा कॉर्नर बनाऊंगी और फिर उस पर अपन लोग डांस में आप लोगों को देखो कि मैंने कैसे डेकोरेशन किया. तब तक मैं जाती हूँ और रेडी होके आती हूँ और मिलती हूँ आपको रेडी होके. और जैसे ही मैं तैयार होने के लिए गई, मुझे भूख लग गई इतनी तेज, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ नीचे आके और आप सब लोगों को मम्मा से भी मिला देती हूँ और उसके बाद में ऊपर जाके फिर मैं मेरा शूट कर लूँगी, रेडी भी हो जाऊँगी. और मैं ट्राई करूँगी कि मैं शूट कर लूँ, अगर मुझसे नहीं शूट होगा तो मम्मी तो फोटोग्राफर है ही. तो बस अपनी क्लास ले रहा है, दीदी कुछ काम कर रही है, पापा ऑफिस गए हैं और बस मैं और मम्मी बैठे हैं. हेलो, कुछ खा रहे? मम्मा हेलो कर दो. हेलो, मेरा बनाया है, मेरा आज सोमवार का बर्थडे है इसलिए देखो. और मम्मी ने बनाया है आज क्या, आलू की सब्जी जो कि मुझे बहुत टेस्टी लगी, शायद आप लोग भी खाते होंगे फास्ट में. मेरे को भी बहुत टेस्टी लगती है. ये आ गया, क्लास ओवर हो गई. हाँ. तो आपके लिए आई नहीं, यादू कह रहा है इसको बहुत पसंद है लेकिन खत्म हो गई, हम दोनों ने खा ली सारी. हम दोनों ने कटोरे भर भर के खा लिए. दो कटोरे हम खा चुके हैं. नंदी वर्जन, दिस इज योर बैड लक, सॉरी. और आप कुछ कहना चाहोगे आपके फैंस से? मैं तो क्या कहूँ, थोड़ी शर्म आ जाती है. शर्म का तो आपको पता चल गया. कुछ और नहीं, वो वाला गाना गा लो. कौन सा गाना? वो वाला वो गाओ. कौन सा चल रहा है ना अभी? गाओ गाओ. हाँ चलो मम्मी ये गाना गाओ. कौन सा गाना? रेडी, सो 1 2 3 स्टार्ट. बचपन का प्यार मेरा. चेंज कर दिया आपने तो. फर्स्ट अटेम्प्ट मम्मी ने कर लिया है और आपने देख लिया कैसा हुआ है. अब मम्मी को गाना नहीं आता, जितना आता है उतना ट्राई करेंगे. बचपन का प्यार मेरा वो नहीं जाना रे, जाने मन आगे आता जाने रे, जाने मन जाने मेरी जाने मन आगे मुझे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना. तो बस अब ये फन हो गया है, हम दोनों थोड़ा सा चाय पियेंगे. आप लेंगे क्या चाय? हेलो फ्रेंड्स, चाय पियेंगे क्या? चाय पी लो, नेस्कैफे चाय. तो बस अभी हम लोग चाय पी रहे हैं और उसके बाद मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए और फिर मिलती हूँ आपको रेडी. सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये कलर मेरा इतना फेवरेट कलर है, आई कांट टेल यू कि मुझे इसको पहनते हुए इतना अच्छा लगता है. और जब मैं ये ड्रेस पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से खूब तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये कलर बहुत 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 प्यारा लगता है.
और बस मैं नीचे से अभी ऊपर आई हूँ। मम्मा थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज हम थोड़ी सी मस्ती करने लगे मम्मा और हम। सो एज यूजुअल पहले मैं एक म्यूजिक के ऊपर अपनी 4-5 स्टेप्स करूंगी और फिर वो स्टेप्स करने के बाद में गाने पे उसके बाद में 1 by 1 उसको आपको मैं समझा दूंगी अच्छे से। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं गाइस कि मेरे जो पुराने गाने हैं जिन पे मैंने डांस किया हुआ है तो मैं उन पे 1 by 1 ट्यूटोरियल सिखाऊं, तो मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं उन गानों पे आप लोगों को ट्यूटोरियल सिखाऊं। बट लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि यूट्यूब पे मेरे उस पे कॉपीराइट आ जाता है तो आई कांट यूज दैट सॉन्ग। तो जब जैसे ही मुझे उसका कुछ पता चलता है बिकॉज मैं उस पे थोड़ा रिसर्च कर रही हूँ, जैसे मुझे उसका कुछ पता चलता है कि मैं सॉन्ग्स किस तरह से यूज कर सकती हूँ तो फिर आई विल मेक द ट्यूटोरियल्स। और वैसे मैं जो ये आपको स्टेप्स सिखाती हूँ 4-4-5 जो भी, तो उन स्टेप्स को आप विद म्यूजिक कहीं पे भी किसी भी घूमर के डांसेस में यूज कर सकते हो। अब वो आप जैसे ही आप थोड़ा बहुत आप घूमर पे डांस करना आ जाएगा आपको तो इट विल बी वेरी इजी कि आप किसी भी सॉन्ग पे बहुत आराम से बहुत एलिगेंटली डांस कर सकते हैं। तो बस मैं उसी तरह से आपको कुछ कुछ स्टेप्स सिखाती रहूँगी और देखती हूँ इन फ्यूचर अगर मुझे टाइम मिला या कुछ हुआ तो मैं अगर अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करूँगी तो उसमें मैं विद म्यूजिक आपको फिर भी एक सॉन्ग पूरा सिखा सकती हूँ। और ये थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन लाइटिंग का कर दिया है सो दैट जब मैं थोड़ा ट्यूटोरियल बनाऊंगी तो अच्छी थोड़ी सी लाइट्स होती है तो अच्छा लगेगा। और बस अब गाइज मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो है गोल घूमने का, कि मैं गोल किस तरह से फटाफट से घूम के एक टर्न ले लेती हूँ। तो अब सबसे पहले हमारे हाथ ऐसे एकदम हमेशा खुले होने चाहिए, मतलब कोई भी हम अगर स्टेप कर रहे हैं तो हमारे हाथ एकदम खुले होने चाहिए। तो हमारे हाथ एकदम हम खुला रखें और राउंड लेंगे। अब 1, 2, 3, 4 एक इधर दूसरा इधर 1, 2, 3, 4 साथ में हमारे हाथ जहाँ पर हैं वहीं से थोड़े से बैंड होके और बस विद हम जैसे भी घूम रहे हैं उसके साथ में हमारे हाथ भी साथ साथ में राउंड लेने चाहिए। तो एक बार मैं फिर से करके दिखाती हूँ, एकदम हमारे हाथ खुले और हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 बस आपको अपनी बैंड है अपनी बॉडी जो है वो थोड़ी सी बैंड करनी है। मतलब जब आप इधर घूम रहे हैं, जब आप अपने लेफ्ट साइड से घूम रहे हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी लेफ्ट में टिल्ट हुई भी होगी और जब आप राइट से कर रहे हैं तो थोड़ी सी राइट में टिल्ट होके फिर मूव करना है। और जब आप मूव करेंगे तो एकदम हाथ पूरे खोल के और फिर आप अगर कोई भी स्टेप करते हैं तो उसका जो ग्रेस और एलिगेंस आता है वो उससे और ज़्यादा अच्छे से। अब जो है हम सेकेंड स्टेप करेंगे, उसमें हमारा जो हाथ है हमारी बॉडी को हमें मतलब सीधे ना खड़े होके थोड़ा सा टिल्ट खड़ा होना है, मतलब टेढ़ा खड़ा होना है और अपनी राइट में खड़ी होके राइट ही हैंड्स को हमें बाहर निकालना है और हमें हाथ के साथ थोड़ा सा नीचे झुकना है और उन हाथ को मूव करते करते हमें 4 steps पीछे जाना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से करेंगे, हमारी बॉडी थोड़ी सी बेंड होगी नीचे की तरफ और हमारा हाथ इधर और हम इसे ऐसे ऐसे धीरे धीरे 4 times इधर पीछे जाएंगे और साथ में उसमें हमारे हाथ भी घूमते रहेंगे और साथ में हमारी बॉडी थोड़ी सी बेंड होगी बिकॉज हम पहले हमारा राउंड स्टेप करने के बाद में जैसे ही हम ये स्टेप करेंगे तो वो उसके साथ एकदम बैलेंस होके आएगा। बिकॉज आप जब अपना डांस जब आप घूम रहे हैं गोल तो आप ऐसे घूमने के बाद एकदम से आप अपनी बॉडी को रिलैक्स भी कर सकते हैं साथ में, बिकॉज हम इतने राउंड्स लेते हैं एक साथ तो थक भी जाते हैं। तो इसलिए अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप लें वो एकदम ऐसा ईजी सा स्टेप लें सो दैट आप अपनी बॉडी को वापस बैलेंस कर सके। तो इसलिए मैंने ये वाला स्टेप लिया है 1, 2, 3, 4 जो कि बहुत ही ईजी स्टेप है और आई थिंक मोस्टली आप लोग भी अपने डांस में इसको यूज़ लेते होंगे। तो अब हम कर रहे हैं 3rd step। सो जो 3rd step है उसमें मैंने ऐसे ही स्टेप लिए, मतलब एक राउंड का स्टेप लिया है और एक नॉर्मल स्टेप लिया है। तो एक राउंड और एक नॉर्मल स्टेप हो गया है। अब मैं ये कर रही हूँ जो ये राउंड के साथ में दूसरा स्टेप है। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना हाथ एक हाथ ऐसे रखना है लेफ्ट
और राइट हैंड ऐसे, और दोनों को एक साथ में मिला देना एक दूसरे के साथ में, और फिर हम मूव करेंगे हमारे स्टेप को लेफ्ट साइड से। हमारा जो ये बना हाथ जो हमारे जुड़े हुए हैं वो हमारे लेफ्ट में होंगे और हमारी बॉडी थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ झुकी हुई होगी, और फिर हम इधर से हमारे राइट की तरफ जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, इसको कैसे कर रहा है देखना। अपना एकदम लेग्स नीचे होंगे एकदम ज़मीन पे चिपके हुए, हाथ एकदम इधर ऐसे। तो इधर से हमारे हाथ को हम पहले राइट की तरफ लेके जाते हैं। तो 1 2 3 4 ये यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा, फिर हम यहीं से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 अब आप देख रहे हैं इसमें भी ऐसे ही आ गया। तो दोनों साइड में आपको अपने हाथ यूं ले जाके और ऐसे 1 2 3 4 तो आपकी जो बॉडी है वो विद हैंड्स मूव करेगी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया जैसे, तो यहाँ से स्टार्ट करके और बॉडी मेरी देख रहे हैं आप मूव कर रही है। मैं जैसे ही राइट की तरफ जा रही हूँ तो पहले मेरी बॉडी लेफ्ट की तरफ बेंड करी हुई है, फिर लेफ्ट से बेंड करके मैंने इसको सीधा ले जाके राइट में खड़ा करा है, और राइट से वापस स्टार्ट करके मेरे हाथ को इधर ला के और लेफ्ट साइड में थोड़ी सी बॉडी को बेंड करना है। और इसी तरह से हमें एक राउंड भी लेना है साथ में। तो अब आप देखना मैं कैसे करती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बस इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। हाथ को हमारे यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 बस नीचे लेके आना है आपको। सो अब जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ ना डिफिकल्ट नहीं है। उसमें जस्ट आपको अपना हाथ ऐसे रखना है, सॉरी ऐसे, और दूसरा हाथ ऐसे, और हम अपने जैसे ही राउंड लेंगे राउंड के साथ साथ हमें हमारे हाथ की पोजीशन ऐसे चेंज करती रहना है। जैसे ही मैं एक राउंड ले रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जैसे ही मैंने एकदम ये राउंड लिया, यहाँ आई राउंड लेके, फिर मैं जब अपने हाथ को यहाँ लेके जा रही हूँ तो आप मेरे हाथ को देख सकते हैं कहाँ जा रहा है। तो मेरे जो पैर हैं, हाथ मेरे रहेंगे लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड से यूँ लेके मैं इसको चेंज करती जा रही हूँ और राइट में लेके आ रही। राइट से मैं इसको यूँ करके चेंज और लेफ्ट में ले गई। तो लेफ्ट से ऊपर से लेके नीचे तक आना है, और नीचे से ले जाके वापस ऊपर तक जाना है, और आपके हाथ विद म्यूजिक ऐसे ऐसे बेंड करते रहे, सॉरी बेंड बोल रही हूँ, एक साथ में ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे ऐसे ऐसे, तो आपका स्टेप अच्छे से दिखेगा। आप देखना आप फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 तो ये भी एक स्टेप हो जाएगा, जो कि आपके राउंड के बाद आप खड़े होके अगर आप इस हाथ का ये पोजीशन ये वाला घूमने का स्टेप कर रहे हैं तो उसी के साथ में आप जो स्टिल वाला जो स्टेप है वो आप ये वाला ले सकते हैं। सो दैट इट विल बी ईजी, और आप आराम से थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं। सो आई होप गाइज ये चारों स्टेप आपको ईजीली समझ आ गए हों। मैं इसीलिए एक वीडियो में चार ही स्टेप लेती हूँ, सो दैट आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और ईजीली आपको वो समझ भी आ सके, वन अदरवाइज मैं बहुत सारे स्टेप्स साथ में ले लूँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। सो इट्स बेटर फोर फोर स्टेप्स लूँ, सो दैट इट बी ईजी फॉर यू टू लर्न। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में मैंने पहले अपने लेग मूवमेंट्स दिखाए थे, और भी लोग लेग मूवमेंट्स जानना चाहते हैं, कमेंट आए थे कि लेग मूवमेंट मैं और लूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं लेग मूवमेंट के साथ में आपको राउंड भी साथ साथ सिखा दूँ। तो इस वीडियो में मैंने इसीलिए आपको लास्ट वीडियो में आपने लेग्स चलाना सीख लिया, तो उस वीडियो में उन लेग्स को कैसे चलाते हैं उनको यूज़ करते हुए आप ये वाले राउंड के जो मैं आज स्टेप्स बता रही हूँ इनको आप ईजिली सीख सकते हो। सो दैट ये आपके हाथ भी, बिकॉज लेग्स के साथ में हाथ भी चलना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर जैसे ही आपके लेग्स के मूवमेंट आप करेंगे, तो आज मैंने इसीलिए ये सिर्फ नॉर्मल स्टेप्स लिए हैं सो दैट आप लेग्स के साथ में अपने हैंड्स का भी मूवमेंट कर सकते। सो गाइज आई होप आपको चारों स्टेप्स अच्छे से समझ आ गए हों, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। और सो बस इस ट्यूटोरियल ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज बहुत तेज़ वापस से मुझे भूख लग गई बिकॉज रेडी हुई और डांस वांस करा होते मुझे वापस से भूख लगी। तो बस अब मैं नीचे जाती हूँ खाना खाने के लिए, मम्मा भी मेरा वेट कर रही हैं, और मिलती हूँ आपको जल्द ही नए ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज प्रिया। गाइज इफ यू रियली wanted to see challenge videos मेरे मम्मा के या पापा के और यदु के हम लोगों के साथ में, so please guys do comment below and let me know, क्योंकि मुझे challenges करने का मन कर रहा है but मुझे ना कुछ अच्छे से ideas नहीं आ रहे, तो आप फटाफट से comment करके मुझे ideas बताओ so that मैं उनमें से कोई एक challenge को pick up करके और फिर वो challenge vlog भी बनाते हैं।
होप ये ट्यूटोरियल आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो एंड इफ यू रियली लाइक इट प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज प्रियंका राठौर एंड पीआर ब्लॉग्स. सो बाय बाय एवरीवन.